स्वागत है आपका आर भला टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नाइट। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भला टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के सुरपुरा प्रखंड के बलिहार में मैं उपस्थित हूं, बलिहार गांव में। और यहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय बलिहार, यहां पर अभी देखा जा रहा है कि पंचायत के चुनाव हो रही है, गाँव की सरकार बनानी है। और गाँव की सरकार बनाने के लिए, गाँव की सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर जनता आ चुकी है अपने मत को आज ईवीएम के बटन दबा करके, और अपने मन लाइफ प्रत्याशी यानी हकदार प्रत्याशी को चुनने के लिए, ईमानदार प्रत्याशी को चुनने के लिए यहाँ पे पूरे पंचायत की जनता अपना अपने पंचायत के आ चुकी है। और यहाँ पर आज ईवीएम के बटन दबा करके, और जो प्रत्याशी आज से पहले घूम रहे थे उन लोगों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके बाद कल बीच परसों यानी 1 दिसंबर को जब ईवीएम के पिटारा खुलेगा तो देखा जाएगा कि जनता किसको पहनाती है ताज, कौन चला रहा है अपने पंचायतों का। अभी करीब करीब सुबह के 1:30 बज चुके दोपहर के, और यहाँ पर करीब करीब अच्छे ढंग से वोट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी, यहाँ पर प्रशासन कर्मी भी अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। विदाउट आधार कार्ड अंदर लोग नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि बिना आधार कार्ड के अंदर अलाउ नहीं है, और आधार कार्ड दिखला करके अंदर आना है और लाइन में लगना है। अभी यहाँ पर मैं जा करके लोगों से जानकारी लिया तो सब लोग आधार कार्ड लिए हुए थे, और यहाँ पर प्रशासन कर्मी के सूचना के अनुसार मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर वोटिंग अच्छी से हो रही है। अभी तक यहाँ पर 374 वोट इस सेंटर पर है, जहाँ के 179 वोट अभी तक पड़ चुके हैं। अगले में देखा जाए तो वहाँ पर 40% वोट पड़ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक अभी वोटिंग चल रही है। यह है रोहतास जिला का सुरपुरा।